जी सत श्री अकाल जी, कैसे सारे ठीक ठाक हो? तो आज हम बात करेंगे जी जॉर्जिया की फुल इन्फॉर्मेशन। आप ई वीज़ा पे आके वीज़ा टू वर्क या जैसे भी आप वहाँ पे आके TRC ले सकते हो या नहीं ले सकते। मेरे को बहुत मैसेज आ रहे थे, मैं क्लियर आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखना, बहुत ही जानकारी होगी इस वीडियो में, आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। जो मेरे भाई जॉर्जिया में आके अपने TRC लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ एजेंट आजकल आपको क्या बोल रहे हैं कि हम आपसे 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे या 2 लाख लेंगे कि आप जॉर्जिया आ जाइए। हम आपको जॉर्जिया भेज रहे हैं तो उसके बाद हम आपको वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे भेज रहे हैं और वहाँ पे जाके तुम्हारा इजीली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारी TRC बन जाएगी। तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहता हूँ भी किसी भी बातों में ना हो किसी एजेंट के, टूरिस्ट वीज़ा पे उधर जाके आप TRC नहीं बनवा सकते। पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद फिर भी बहुत लोग फिर भी कमेंट करते हैं, वीडियो भी देखने के बाद भी नीचे कमेंट करते हैं कि नहीं हमारा एजेंट ऐसे बोल रहा है। एजेंट का काम है बोलना, क्योंकि उसको बोलने के पैसे बनते हैं उसके। अब वो किसी तरह आपको कन्वेंस कर लेता है वो कि हाँ हाँ मैं करवा दूंगा, टेंशन मत ले, मेरी सेटिंग है या जो भी है। तो कन्वेंस करने के बाद आप कन्वेंस हो जाते हो, आप उसको पैसे दे दोगे, आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा के ई वीज़ा अपने आप ऑनलाइन निकल जाएगा। वो वीज़ा निकालने के बाद आपकी टिकट होगी इंडिया से अप डाउन की टिकट, मैक्सिमम 30,000 से 35,000 की टिकट कर देगा वो अप डाउन की, ठीक है। आपको वहाँ पे भेज के आपकी जो वापसी की टिकट है, रिटर्न टिकट, उसको वो कैंसिल करके रिफंड ले लेगा। उसका मैक्सिमम खर्चा कितना आया? 30,000 से 40,000 सारा कुछ मिला के, ठीक है, इतना उसका खर्चा आ गया। होटल बुकिंग करके दे दिया आपको, सब दे दिया, और आपसे उसने ले लिए 4 लाख रुपये। आपको वहाँ पे 1 महीना 2 महीना बैठा के रखेगा कि हाँ ये दिक्कत है, ये हो जाएगा, अभी होने वाला है काम। आप लारे में बैठे रहोगे 2-3 महीने, आपके जब ख़राब हो जाएंगे फिर आपको ये चीज़ महसूस होने लग जाएगी कि हाँ भाई मैंने जो वीडियो में सुना था शायद वो सच था कि हाँ यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी बुला के और अभी ये मेरी TRC नहीं बना रहा। उसके बाद आप कोशिश करोगे आपके पैसे रिफंड हो जाएं। तो आपको पता है अगर एजेंट के हाथ में एक बार पैसा चला जाता है तो उसको वापस लेने के लिए आपको कितनी धक्के खाने पड़ेंगे, सीधे वर्ड है। आप चाहे पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपकी भी बदनामी है एजेंट की। तो चलो एजेंट को तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एजेंटों का काम है, उनको ही आदत होती है इन चीज़ों की। तो आप टेंशन में, आपका टाइम ख़राब, आपके पैसे ख़राब, क्योंकि जो बंदा जॉर्जिया का प्लान कर रहा है मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, वो बंदा अपने पीछे फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा वो, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका कहीं भी जाएंगे, ठीक है। जो मिडिल क्लास बंदा है वो वहीं तक का सोचेगा कि हाँ मेरा इतना बजट है, मैं इतने बजट में जाके इतने पैसे कमा लूँ, तो इसलिए वो एजेंट की बातों में भी आ जाता है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें यही कहता हूँ, जब भी आप जॉर्जिया का प्लान करें टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर आपको कोई बोलता TRC बनवाऊंगा तो उसकी बातों में नहीं आना, नहीं जाना आपको टूरिस्ट वीज़ा पे। अगर आपको उधर जाना है तो आपको सीधा वर्क परमिट में जाना है। अगर आपको कोई डायरेक्ट वर्क परमिट आपको दिल्ली से करा के देता है तो उस वर्क परमिट पे आप जाओ, आपकी TRC बन जाएगी। या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो वहाँ पे तो आपकी TRC बनेगी, लेकिन टूरिस्ट पे आपकी TRC नहीं बनेगी। और अब हम बात करते हैं वहाँ पे काम की। वो वहाँ पे काम के जो हालात हैं वो ज़्यादा ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, काम वहाँ पे कम है। 30,000 से 35,000 से 40,000 मैक्सिमम आपकी सैलरी बनेगी वहाँ पे। तो दूसरी बात क्या है, वहाँ पे जाने का सिर्फ एक बेनिफिट ज़रूर है, वो भी उन बंदों के लिए जो आर्मेनिया का प्लान कर रहे हैं। वो उससे बेटर जॉर्जिया जाके अपनी TRC अगर बनवा सकते हैं, वर्क परमिट पे सीधा जा रहे हैं, उनका ये है वहाँ की TRC की थोड़ी वैल्यू है। आप वहाँ पे थोड़ा टाइम काम करके, वहाँ पे थोड़े दिन काम करने के बाद आप वहाँ से यूरोप इजिली मूव हो सकते हो। उसका सिस्टम होता है एक अपनी फाइल प्रॉपर तैयार करने का, जब आप वहाँ पे काम करोगे 6 महीने 1 साल, अपनी बैलेंस थोड़ा अपने अकाउंट में रखोगे, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, और साथ की 1-2 कंट्री ट्रैवल करने के बाद आप वहाँ से यूरोप का वीज़ा ट्राई कर सकते हो और ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ से वीज़ा मिलने के। तो मैं उनके लिए स्पेशल ये बात बोलना चाहता हूँ जो आर्मेनिया जाना चाहते हैं, आर्मेनिया से बेटर है जॉर्जिया। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा थोड़े और पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, फिर इनसे अच्छा है फिर आप यूरोप की किसी भी शेंगन कंट्री का, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, क्रोशिया, हंगरी, या फिर अपना चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इनके वर्क परमिट निकलते रहते हैं। अच्छा एजेंट ढूंढ के आप वहाँ पे भी अप्लाई करके आप जा सकते हो। तो दूसरा, जॉर्जिया में
किस तरह के काम है जॉर्जिया में, एग्रीकल्चर के भी बहुत काम है, क्योंकि अपने इंडियन पुराने टाइम में जाके वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीनें ली हुई हैं, वो एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग रेस्टोरेंट वगैरह भी वहाँ पे चलाते हैं। तो अगर आप किसी काम में प्रोफेशनल हैं, रेस्टोरेंट का काम जानते हैं कि हाँ वहाँ, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मौका हो जाता है, वो उसको पैसे भी थोड़े ज़्यादा दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। तो जो भी जॉर्जिया जाना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ यही बताऊँगा, अपना बजट देख के जाएँ, ज़्यादा पैसे वहाँ के ना लगाएँ, मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपए, वो भी जब अगर बंदा आपको वर्क परमिट और TRC बनवा के दे रहा है। और पहले पैसे ना दें, किसी की जिम्मेवारी रखवा लें, बीच में गारंटी करा लें अगर आप किसी से काम कराते हो, और पैसे ऐसे तरीके से हो कि आपके पैसे ख़राब ना हो, आपकी TRC बनने के बाद आपके पैसे आप दें, आप भी सेफ रहें और एजेंट भी, क्योंकि जो सही एजेंट होगा वो आपसे ज़रूर कोई चेक लेके या कोई गारंटी लेके आपका काम करा देगा, क्यों, उसको पता होगा कि मैं काम कराऊंगा और ये मेरे को पैसे दे देगा। लेकिन जो गलत एजेंट होते हैं वो पहले ही पैसे मांगते हैं और कोई गारंटी नहीं, वो कहते हैं पहले ही मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है मैं काम नहीं कराऊंगा तो शायद मेरे पैसे मर जाएंगे। तो ज़रूर ये चीज़ें अपने दिमाग में रखकर कि हमें इतने पैसे लगाने हैं, इतनी वहाँ पर इनकम है, और टूरिस्ट वीज़ा पर TRC नहीं बनती, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर आप अपने दिमाग में सोच के ये चीज़ें रख के फिर आप जॉर्जिया के बारे में सोचें और आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन अपना बजट देख के। अगर आपसे कोई पैसे पैसे मांगता है तो ना दें। तो वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।